गैस कल मैंने आप लोगों के लिए एक वर्डप्रेस का कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया था, और उसके बाद मेरे पास इतने सारे सवाल आ रहे हैं कि वर्डप्रेस क्यों यूज़ करें या फिर वर्डप्रेस क्यों यूज़ ना करें, या फिर सबसे बड़ा सवाल जो आया था वो ये था कि HTML CSS JavaScript का जो इतना लंबा कोर्स मैंने डाला है उसका क्या यूज़ है, जब इतनी आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरी वेबसाइट तैयार हो जाती है। और मैं एक एक करके सबको इंस्टाग्राम पर रिप्लाई कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो तो बनता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस वर्सेस कस्टम कोडिंग यूजिंग HTML, CSS, JavaScript और बैकएंड। स्पेस नहीं है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो चलो शुरू करता हूँ वर्डप्रेस के फायदों के साथ। अब आप लोगों को वर्डप्रेस के फायदे ऑलरेडी मालूम है कि यार ड्रैग एंड ड्रॉप करके आराम से वेबसाइट बन जाती है, कंटेंट वो संभाल लेता है बड़े आराम से, आप लोग बस आराम से कंटेंट डालते रहो, बाकी का बैकएंड वैकेंड कुछ कोडिंग वोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, आप लोग डायरेक्टली अपने पैनल में लॉग इन करो और आपका काम जो है बाकी का सब काम जो है वर्डप्रेस संभाल लेता है। लेकिन आप में से कई लोग कहते हो फिर इसकी क्या जरूरत है, HTML, CSS, JavaScript, बैकएंड में क्यों सीखूं जब मैं एलिमेंटर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकता हूं। ये मुद्दा है वीडियो का, तो इसको मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा और पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा। अब मैं यहां पर आप लोगों को कुछ ऐसे यूज केसेस दे सकता हूं जो कि शायद आप लोगों को पता भी नहीं होंगे कि आप वर्डप्रेस में कैसे बनाओगे, और आप कंफ्यूज हो जाओगे हाँ यार ये कैसे करूंगा वर्डप्रेस में, ब्लॉग तो मैंने बना लिया, स्टैटिक वेबसाइट तो मैंने बना ली, वो मैं कहूंगा ये बना के दो मुझे वर्डप्रेस में, तो आप भी हिल जाएंगे। तो यहां पर मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं कि क्या कमियां है वर्डप्रेस की, उन यूज केसेस की अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन पहली कमी यहां पर है, फ्री नहीं है सब कुछ, ठीक है, फ्री नहीं है सब कुछ। और यहाँ पर मैं नॉट फ्री लिख देता हूँ, नॉट फ्री, ये इतना पूरा फ्री नहीं है जितना दिखता है। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द प्लगइन्स आर पेड, ठीक है, जो आपके मोस्ट ऑफ द प्लगइन्स आर पेड, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को पैसे देने पड़ते हैं प्लगइन्स के लिए। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, WP Forms करके प्लगइन है वर्डप्रेस का, आप लोगों को अगर एंट्री वहीं पर डैशबोर्ड में देखनी है क्योंकि एक बहुत बड़ा फीचर होता है, वो आप लोगों को पेड मिलता है। अब यार अगर मुझे पैसे ही देने इतनी सी चीज़ के, और होते भी इतने सारे पैसे हैं कि आप जेब से निकालने में भी इतना आप लोगों को परेशानी से होने लगेगी, क्योंकि आप लोगों ने एक रुपया कमाया नहीं होता जब आप स्टार्ट करते हो ब्लॉगिंग वर्डप्रेस से, और उसके बाद आपसे कोई कहता है कि यार ये ले लो मेरा एलिमेंटर का प्रीमियम ले लो, मेरा WP Forms का प्रीमियम ले लो, ये वाले प्लगइन का प्रीमियम ले लो, ये ले लो वो ले लो, तो वहां पर आप लोगों को जो है दिक्कत तो होगी, आपको यार मेरे पास नहीं है पैसे मैं नहीं दे सकता। तो एक तो ये चीज आ गई, और जो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं प्लगइन्स की और ये वो जो थीम्स होते हैं अच्छे अच्छे ये वो सारे मोस्टली पेड होते हैं। लेकिन यहां पर कुछ सच्चाई की भी बात कर लूं, मैंने आप लोगों को बना के दिखाई वर्डप्रेस में वेबसाइट, तगड़े से तगड़े प्लगइन फ्री उपलब्ध हैं, और उसी के साथ साथ तगड़े से तगड़े थीम भी फ्रीली उपलब्ध हैं। लेकिन क्या वो आपके यूज केस को सेटिस्फाई करेंगे, या फिर आज तो वो आपके यूज केस को सेटिस्फाई कर देंगे, हो सकता है अगले 3 साल में आप लोग कोई मशीन लर्निंग रिलेटेड स्टार्टअप बनाओ, उस वेबसाइट को उसमें कन्वर्ट करो, तो उसकी कोडिंग कौन करेगा, आप लोगों को वर्डप्रेस में मशीन लर्निंग कौन लिख के देगा। अब आप लोग APIs वगैरह का इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन फिर आपको कोडिंग ही करनी है, तो घुमा फिरा के बात वही आ गई ना, आप लोगों ने अपने बैकएंड पे वेबसाइट बना ली होती तो वो पछतावा आप लोगों को ना हो, इससे अच्छा आप लोगों को कस्टम कोडिंग ही चुन लेना चाहिए। अब यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्डप्रेस में जो है सारे प्लगइन पेड होते हैं और वर्डप्रेस जो यूज करता है वो बेवकूफ है। मैंने यूज किया वर्डप्रेस और मैं करता भी हूं वर्डप्रेस को इस्तेमाल, आज भी ब्लॉग वगैरह बनाना है तो वर्डप्रेस से अच्छा कंटेंट मैनेजमेंट कहीं नहीं दिखता मुझे, मैं वही इस्तेमाल करता हूं। अगर एक वेबसाइट का पर्पस है कि उस पर कंटेंट रखा जाएगा, कुछ कैटेगरीज में पोस्ट लिखे जाएंगे, वर्डप्रेस सिंपल सी कहानी है, बिना किसी सवाल के मैं वर्डप्रेस चुन लेता हूं, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस तरह का क्लाइंट मेरे पास आता है जो कि कहता है यार कि कल हम एक मशीन लर्निंग बेस्ड स्टार्टअप बनाएंगे, या फिर कल हम रिकमेंडेशंस देंगे यूजर्स को, कस्टम पोस्ट शो करेंगे, या कुछ भी ऐसे कस्टमाइजेशन जो कि वर्डप्रेस से शायद नहीं हो सकते, या फिर हो सकते हैं लेकिन उसके प्लगइन्स जो है वो पेड हैं, या फिर प्लगइन्स हो सकता है पेड ना भी हो, लेकिन क्योंकि आपका बिजनेस ही उसी प्रोडक्ट पे खड़ा है तो वर्डप्रेस पे आप इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगर कोई आपको फ्री में कोई प्लगइन दे रहा है और मान लो आप जो है उससे 1-2 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो पर मंथ का, और अचानक से कल वो प्लगइन ब्रेक हो जाता है, प्लगइन वाले तो हाथ खड़ा कर देंगे, कहेंगे यार फ्री प्लगइन था, किसी ने अपने पार्ट टाइम हॉबी के उससे बनाया होगा, लेकिन आपका तो पूरा बिजनेस लुढ़क जाएगा उससे। तो वहां पर आप डिपेंड नहीं रहना चाहते वर्डप्रेस जैसी चीज पर। प्लगइन तो काफी लोग बना देते हैं वर्डप्रेस के, और ऐसा भी कई बार हुआ है कि वर्डप्रेस में बग आया है, वर्डप्रेस के किसी प्लगइन में बग आया है, और वो बग जो है बहुत ही मेजर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी हो सकता है, तो वहां पर आप लोग रिस्क नहीं करना चाहेंगे। तो दूसरी चीज यहां पर आ जाती है आपकी रिस्क की। तो सब कुछ फ्री नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन बहुत सारे फ्री प्लगइन्स भी हैं, इस बात को भी जो है हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन्स बहुत अच्छे से काम करके आप लोगों को दे देते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे यहां पर आता हूं इसी
सी बात से जो कि शायद मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पर एक और बार बता देता हूँ, यू नेवर नो वेयर योर डेटा इज गोइंग, यू नेवर नो वेयर योर डेटा इज गोइंग। मान लो मैंने एक प्लगइन बनाया, अब मैंने वहाँ पर छोटा सा कोने में टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी कि भाई मैं जो है आपका डेटा कलेक्ट करूंगा सारा अंदर का वर्डप्रेस का, अब प्लगइन जो है कंट्रोल ले लेता है आपकी वेबसाइट का। ऐसा नहीं है कि प्लगइन जो है आपने लगा दिया और उसके बाद हो सकता है वो कहीं नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज रहा हो, तो भरोसा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है इन सब चीज़ों पर जब आपका प्रोडक्ट ही आपकी बेसिक वेबसाइट हो। इसलिए आपको नहीं पता आपके डेटा के साथ क्या हो रहा है, आपको नहीं पता कि कितनी प्रोसेसिंग पावर खाई जा रही है आपके कंप्यूटर की। यार प्लगइन तो किसी ने बनाया है ना, आपने तो नहीं बनाया है। अब हाँ वो प्लगइन ओपन सोर्स हो सकता है, हाँ आप उसके सोर्स कोड में जाकर देख सकते हो, बात वही आ गई ना, लेकिन सोर्स कोड में ही देखना है जाके, तो आप अपना सोर्स कोड लिखो फिर, तो वही चीज़ आ जाती है। अगर आप लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप प्लगइन्स का यूज़ करके प्रोडक्ट कभी अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते, प्रोडक्ट तो बना सकते हो अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो एक वो पॉइंट यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता था। अभी जो अगला पॉइंट है ना मेरा, इसको मैं बोलूँगा प्रो लेवल कस्टमाइजेशंस। प्रो लेवल कस्टमाइजेशंस आप नहीं कर सकते वर्डप्रेस में, प्रो लेवल कस्टमाइजेशन। और ये बात जो मैं वर्डप्रेस के लिए बोल रहा हूँ वो आपके पसंदीदा वेबसाइट बिल्डर के लिए भी लागू होती है, चाहे वो विक्स हो, चाहे वो मूव हो, चाहे वो टू हो, जो भी नए नए आ गए वेबसाइट बिल्डर्स रोज़ बनते हैं 10, जो भी वेबसाइट बिल्डर है उसके लिए भी लागू होती है, ठीक है। तो आप लोग अगर प्रो लेवल कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, जैसे कि मैं आप लोगों से अगर कह दूं कि यार मुझे एक ब्लॉग चाहिए और ब्लॉग के साथ साथ मैं चाहता हूं कि मेरे ब्लॉग में मेरी YouTube प्लेलिस्ट शो करे, ठीक है, क्योंकि मेरे कोर्सेज होते हैं YouTube पे और मैं चाहता हूं कि साइड में मेरे सारे जो वीडियोज हैं वो शो करें, तो पहला काम एक वर्डप्रेस डेवलपर क्या करेगा, प्लगइन खोजेगा, उसका कहेगा यार इसका कोई प्लगइन होगा मैं कर देता हूँ, और प्लगइन उसको नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, हाथ खड़े कर देगा। तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप एज अ वर्डप्रेस डेवलपर हाथ खड़े कर दें, तो वर्डप्रेस की लिमिटेशंस को आपको समझना पड़ेगा। अब हाँ यहाँ पर कोई मुझे टोक सकता है कि यार ये वाला प्लगइन यूज़ कर लो, वो वाला प्लगइन यूज़ कर लो, लेकिन हर चीज़ का प्लगइन नहीं होता है, हर चीज़ पर आप लोग कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये प्रो लेवल कस्टमाइजेशन की अगर यहाँ पर बात करूँ, अब मैं अब मान लो बात करूँ एक और प्रो लेवल कस्टमाइजेशन की बात करता हूँ, जावास्क्रिप्ट गेम्स। अब जावास्क्रिप्ट में मान लो गेम बना रहे हो आप लोग, ठीक है, तो वो तो पूरा आपका प्रोडक्ट ही कोड है ना। अब आपका प्रोडक्ट ही कोड है तो आप क्यों चाहोगे कि आपका जो प्रोडक्ट है जो कि आपका कोड है वो आप लोग वर्डप्रेस का इस्तेमाल करो। कितना फनी हो जाएगा ये कि यार वर्डप्रेस से आप लोग पूरा का पूरा कोड ले रहे हो और उसको आप लोग दिखा रहे हो, आप मार्केट करोगे जब अपनी वेबसाइट को, लोगों को इवेंचुअली पता चल जाएगा आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है। एंड अगेन आपको कोड तो लिखना पड़ेगा ना गेम का, तो आप लोग वर्डप्रेस क्यों यूज़ करोगे, आप लोग अपना कोड लिखोगे, HTML CSS JavaScript बैकएंड यूज़ करोगे, वेबसाइट आपकी होगी, प्रोडक्ट आपका होगा, यूनिक होगा, तो वो आपके घर में रखा रहेगा, घर में मतलब आपके सर्वर में रखा रहेगा, किसी और को एक्सेस होगा नहीं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है जो कि हो सकता है आपका डेटा लेके जा रहा है, तो आप जो जावास्क्रिप्ट लिखोगे वो डेटा भी वो ले जाएगा, और क्या पता क्या अटैक वटैक हो जाए आपके कोड पे, आपका प्रोप्राइटरी कोड जो कि आपने इतनी मेहनत से अपने डेवलपर से लिखवाया है और उसमें आपने इतना टाइम मनी एफर्ट खर्च किया होगा, वो कोई चुरा ले, अच्छा लगेगा कि आपको नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट अगेन हो सकता है कि कोई प्लगइन हो जावास्क्रिप्ट गेम्स का, गारंटी नहीं होती है हर चीज़ के प्लगइन की, और गारंटी नहीं होती है इस बात की कि वो प्लगइन परफेक्ट है, वो प्लगइन काम करेगा, वो प्लगइन वही है जो आपको चाहिए। तो हर चीज़ की हर चीज़ नहीं मिलती है आपको, अगर आप लकी हैं तो आपको कोई प्लगइन थीम आपके यूज़ केस से रिलेटेड मिल सकता है, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द केस ऑलवेज। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ OTT प्लेटफॉर्म का, जैसे कि कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह, और भी कुछ रीजनल आ गए हैं OTT प्लेटफॉर्म बहुत सारे, उस पर पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं आजकल। तो उसमें क्या है कि लोकल सीरियल्स वगैरह चलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रीमिंग होती है, तो होता क्या है उसमें कि आप अपने फ़ोन में लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। क्या ऐसी चीज़ों के लिए आप लोगों को एक सर्वर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, आपको एक सर्वर मेंटेन करना पड़ेगा जिससे आपके यूज़र स्ट्रीम करेंगे और वही आपका प्रोडक्ट है, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा उसको। अब वो चीज़ आप वर्डप्रेस के ऊपर करोगे अगर, तो यार वर्डप्रेस क्या कर रहा है, आपके पास इतना कोई आइडिया नहीं है, फिर इतने सारे यूज़र्स आपके डेटा को स्ट्रीम कर रहे हैं, वहाँ ऑप्टिमाइजेशन वर्डप्रेस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपका जो प्रोडक्ट है, जब वही आपका पूरा कोड है, कोड ही आपका प्रोडक्ट है, तो वर्डप्रेस पर आप क्यों रिलाई करोगे, आप कोड ही बना रहे हो अपना प्रोडक्ट और आप वो उसको वर्डप्रेस के अंदर घुसेड़ोगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा आइडिया है। तो इसलिए वहाँ पर वर्डप्रेस यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर HTML CSS JavaScript और बैकएंड यूज़ होगा। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो डेवलपर्स हायर करती हैं वो वर्डप्रेस चलाने के लिए नहीं करती हैं, इनफैक्ट वर्डप्रेस तो कोई भी चला सकता है, वर्डप्रेस का जो लर्निंग कर्व है वो
मतलब आप देखो मेरा वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल मैंने डाला है, एक अच्छी स्किल है वो भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्डप्रेस जो सीखता है इसीलिए डाला है ट्यूटोरियल, तो वो भी एक स्किल है, लेकिन वर्डप्रेस कोई भी सीख सकता है, आराम से सीख सकता है। लेकिन एक कोडर जो होता है, कोडिंग जो करेगा जावास्क्रिप्ट की, उसमें जो एल्गोरिदम्स हैं कैसे क्या बनाना है, उसमें गणित भी लगेगी, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वो एक कोडर ही करेगा, एक प्रोग्रामर ही करेगा। तो वहाँ पर जो है आपका रोल जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये आ जाती है कि आपका जो बैकएंड है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। मैं यहाँ पर नॉट अंडर कंट्रोल लिख देता हूँ, आपका बैकएंड कंट्रोल में नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप लोगों को शायद वो प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है जो कि आप लोग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोग वो प्रोडक्ट बना पाएँ तो आप लोगों को कस्टम कोडिंग करना पड़ेगा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप लोगों को एक बना बनाया फर्निश्ड घर चाहिए या फिर आप अपने हिसाब से चीज़ों को रखोगे। हो सकता है आप एक फर्निश्ड घर के अंदर जाते हो और उसके अंदर वो चीज़ नहीं है जो कि आप देख रहे हो, जैसे मान लो एक टीवी वहाँ पर छोटा रखा हुआ है, लेकिन आपकी आदत है ठाट से एक होम थिएटर में आपके गाने वाने और मूवी वगैरह देखने की, तो उस केस में आप कहोगे ये मुझे नहीं चाहिए, ये क्यों फालतू है। तो वो एक्स्ट्रा चीज़ है, एक एक्स्ट्रा ओवरहेड है आपके लिए। जैसे कि वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करते हो, मान लो प्लगइन वन आपका एक काम कर रहा है, प्लगइन टू आपका दूसरा काम कर रहा है। मान लो प्लगइन वन क्या कर रहा है, सारे पोस्ट को रैम में लोड कर रहा है, मैं बहुत ही टेक्निकल डिटेल्स में जा रहा हूँ, उसके अंदर घुस के रैम में लोड कर रहा है सारे पोस्ट्स, ठीक है, या फिर पोस्ट के टाइटल सिर्फ, और प्लगइन टू भी वही काम कर रहा है मान लो किसी और टास्क के लिए। तो आपने एक ही काम दो बार कर दिया और आपकी जो रिसोर्सेज का कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा। अब प्लगइन वन और प्लगइन टू एक दूसरे से बात शायद ना करे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डेवलपर्स ने बनाया होगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट रिसोर्सेज ज़्यादा खाने लगती है। फिर क्या होगा कि आपके यूज़र्स जब ज़्यादा आएंगे रिसोर्सेज ज़्यादा खाएगी, जो शायद आपका 1 GB रैम वाला सर्वर और से 4 CPU वाला सर्वर कर देता काम, वो अब आपका शायद 3 GB या 4 GB रैम वाला सर्वर करेगा। तो फालतू की रिसोर्सेज आपको ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पर, और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हमेशा अच्छा होता है, याद रखना, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग नहीं कर पाओगे। तो जब विजिटर्स ज़्यादा होते हैं तो कंपनीज़ बहुत सारी जो बड़ी बड़ी हैं वो सिंपल ब्लॉग भी अपना कस्टम ही बनाती हैं, जैसे कि फेसबुक गूगल का ब्लॉग है वो वर्डप्रेस पर आप लोगों को वेरी लीस्ट लाइकली है कि मिलेगा। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो वर्डप्रेस को यूज़ करती हैं वो एक दूसरी बात है, लेकिन जो बड़े बिग टैक्स हैं वो आप देख लो उनके जो कंटेंट होते हैं वो अपना कस्टम बैकएंड लिखते हैं, इवन ब्लॉग भी अगर हो तब भी वो अपना कस्टम ही लिखते हैं बैकएंड। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि क्यों आप लोगों को HTML, CSS, JavaScript और बैकएंड सीखना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक सक्सेसफुल सफल कोडर बनना चाहते हो। और उसी के साथ साथ वर्डप्रेस को बुरा नहीं बोला है मैंने इस वीडियो में, वर्डप्रेस को मैंने दबाया है शुरू से, क्योंकि वर्डप्रेस के जो फ़ायदे हैं वो तो आपको पता है। अब मैं अगर वर्डप्रेस को दबाकर बात नहीं करूँगा तो फिर ये पॉइंट शायद क्लियर नहीं होंगे आप लोगों को। तो सवाल ये उठता है कि क्या मैं वर्डप्रेस सीखूं एलिमेंटर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना लूं, या फिर मैं HTML, CSS, JavaScript, Node.js, ये जो पाइथन का अपना जेंगो फ्लास्क ये सब होता है वो सीखूं। तो जवाब ये है कि एक प्रो डेवलपर बनना चाहते हो, अपने आप को एक कोडर मानते हो तो ये भी सीखो, लेकिन एक स्मार्ट बंदे की तरह ये स्किल को भी अपनी जेब में रख लो, ये स्किल को भी अपनी जेब में रख लो, क्योंकि ये बहुत सिंपल स्किल है यार। देखो मेरा वीडियो जाके वर्डप्रेस का, आप लोगों को पता चलेगा कि कितना आसान है वर्डप्रेस और कितने आराम से बनती है वेबसाइट वर्डप्रेस से, ड्रैग एंड ड्रॉप। और अगर थोड़ी सी HTML, CSS, JavaScript आपको ऑलरेडी आती है तब तो आपको पता है मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, वहाँ के सारे जो बार्स वगैरह हैं बड़े आराम से आप लोग चला लोगे। वर्डप्रेस में एक छोटा सा फंडा होता है बस, पोस्ट का और पेजेस का क्या डिफरेंस है दोनों में, और वहाँ पर वो सब समझ में आ गया आप लोगों को। तो थीम लगाया, प्लगइन लगाया, पोस्ट लिखा, पेजेस बनाए, वेबसाइट बन गई। और थीम जो होता है वो सब कुछ वहाँ पर आपका होता है वेबसाइट में, जो कि आपकी अपीयरेंस होती है वेबसाइट की, मोस्टली सारा काम आपका हो चुका होता है, आप बस ऑन टॉप ऑफ समथिंग थोड़ा बहुत काम करते हो। तो वर्डप्रेस जो है फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर पैसा कमाना है तो आप लोगों को वर्डप्रेस सीखना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस में 70% से भी ज़्यादा वेबसाइट्स बनी है। अब ये फिगर चेंज होता रहता है लेकिन ऑलमोस्ट 70% रहता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पैसे कमाने हैं तो आप लोग वर्डप्रेस सीखो और फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर जाओ। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इतना सारा काम पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग कोडिंग जानते नहीं है वर्डप्रेस वाले, वो लोग इस तरह के सवालों के साथ आते हैं कि यार ये मेरा ब्रेक हो गया है, स्पेसिंग एक्स्ट्रा आ रही है एक एलिमेंट के ऊपर, मेरा एक एलिमेंट फ़ोन में अच्छे से नहीं रेंडर हो रहा है। तो वहाँ पर आप अच्छे से काम कर पाओगे, क्योंकि वर्डप्रेस में आप एडिशनल CSS, एडिशनल जावास्क्रिप्ट और एडिशनल HTML ऐड कर सकते हो। तो वहाँ आपका वो ज्ञान से आप उसको फिक्स कर दोगे, और इसके बहुत अच्छे अच्छे पैसे देते हैं लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में। तो वहाँ पर आप लोग जो है बड़े आराम से डील को क्रैक कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आपसे कोई कहता है कि यार मुझे एक वेबसाइट चाहिए,
तो वो आप लोगों उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग वर्डप्रेस पे बनाए, फ्लास्क में बनाए, पाइथन में बनाए, HTML, CSS, JavaScript, Django, जो भी आप मनचाही यूज करो, उसको इस बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको एक वेबसाइट चाहिए, और अगर उसकी वेबसाइट अच्छी दिख रही है तो वो कहेगा यार वाह भाई वाह मज़ा आ गया। तो उस तरह की वेबसाइट एलिमेंटर से बन जाती है, टेम्पलेटें अवेलेबल हैं उसमें, देखो जाके वीडियो मेरा वर्डप्रेस का। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सब। बट एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि स्टार्ट कर लो वर्डप्रेस अगर आप एक कोडिंग में बिगिनर हो। मैं वापस से अपनी बात पर आ रहा हूँ, मैंने ये तो बोल दिया कि यार आप लोग HTML, CSS, JavaScript सीख लो। वो लोग जो कि अपना एक ब्लॉग सेटअप करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, वो लोग वर्डप्रेस ज़रूर सीखें, और वो लोग वर्डप्रेस ही सीखें, क्योंकि वर्डप्रेस आप लोग सीख जाओगे 4 दिन में। मेरी बात को आप लिख लो कॉपी में, 4 दिन में सीख जाओगे, 4 ज़्यादा ही बोल दिए मैंने, हो सकता है एक ही दिन में सीख जाओ वीडियो देख के, ध्यान से अगर आप सुनोगे तो। 4 मैंने ज़्यादा ही बोले हैं, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, 4 दिन में। लेकिन ये स्किल में आपको टाइम लगेगा और प्रैक्टिस लगेगी, इसमें बिना प्रैक्टिस के ही हो जाएगा 4 दिन में। मेरी बात को आप कॉपी पे लिख लो, एक्सपीरियंस है आप लोगों को, मैं ये सब बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जब आप 4 दिन में सीख के अपना एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हो, एड्स लगा सकते हो, पैसे कमा सकते हो, तो क्यों ना करा जाए, इस स्किल को क्यों स्किप किया जाए। ये स्किल भी अपनी जेब में रखो आप, और उसके बाद आप ब्लॉगिंग करो इसकी, इसके बारे में लिखो, बैकएंड के बारे में लिखो, बहुत सारे पोस्ट लिखो, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया उसको आप ब्लॉग पोस्ट में लिख सकते हो अपने ओपिनियंस ऐड करके, कि यार वर्डप्रेस यूज़ करना चाहिए या फिर कस्टम कोडिंग वाली साइट बनानी चाहिए। तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो वर्डप्रेस, बहुत सिंपल सा, बिल्कुल वर्डप्रेस, बिल्कुल मैं कंपेयर करता हूँ इनको फेसबुक चलाने से, इंस्टाग्राम चलाने से, गोडैडी का कंट्रोल पैनल चलाने से, कुछ नहीं है वर्डप्रेस, एक डैशबोर्ड है बस, उसको चलाना सीखना है। कोई कॉन्सेप्ट उसमें बस थोड़े बहुत हैं, पेजेस, थीम्स, प्लगइन्स, और बाकी सब आप लोगों को वहाँ पर बटन दबाने हैं बस, और काम होता रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो जो लोग बिगिनर हैं और अपना ब्लॉग जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं, वर्डप्रेस सीखो और पैसे भी कमाओ यार। अगर आप अपने ब्लॉग को मोनिटाइज करोगे और उस पर विजिटर्स आएंगे, क्यों नहीं कमाओ पैसे। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग कोडिंग भी सीखना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कोडर्स भी वर्डप्रेस सीख लो पहले, फिर कोडिंग वाली साइट भी बना लेना, यहाँ पर कस्टमाइजेशन भी कर लेना, जैसे वीडियो कॉलिंग वाली ऐप बनानी है या फिर चैट ऐप बनानी है सॉकेट्स का यूज़ करके, वो सारी चीज़ें बना लेना। उससे अभी के लिए अपना ब्लॉग यहाँ खड़ा कर लो वर्डप्रेस पे, और बाद में माइग्रेट भी कर लेना ब्लॉग को अपने वहाँ पर, क्या जाता है। तो क्विकली अगर आप लोगों को स्टार्ट करना है तो वर्डप्रेस, लेकिन कंट्रोल्स चाहिए अगर प्रोडक्ट बनाना है, अच्छी कंपनी के लिए काम करना है, तो HTML, CSS और JavaScript। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगे तो, और मुझे बताओ यार इस फॉर्मेट के और वीडियोस चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट आएंगे तो मैं इस फॉर्मेट के और भी वीडियोस बनाऊंगा, सो कमेंट करना मत भूलना यार। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।